रांची में चल रहे FIH हॉकी क्वालिफायर्स टूर्नामेंट में भारतीय महिला हॉकी टीम की पेरिस ओलंपिक 2024 में जाने की उम्मीदें टूट गई हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम का मुकाबला आज जापान की महिला हॉकी टीम से था, जहां जापान की टीम ने भारतीय महिला हॉकी टीम को 1-0 से हराकर पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। टूर्नामेंट की शुरुआत भारतीय टीम के लिए अच्छी रही नहीं थी। टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबले में ही USA ने भारतीय टीम को हराया था। उसके बाद भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड और इटली के खिलाफ बेहतरीन और दमदार वापसी की थी। लीग स्टेज में खेले गए 3 मुकाबलों में भारतीय टीम को 2 मुकाबलों में अगेंस्ट न्यूजीलैंड और इटली जीत मिली थी, वहीं USA के खिलाफ हार मिली थी। लेकिन आज जापान के खिलाफ ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में भारतीय टीम को हार मिली है। FIH क्वालिफायर्स जो रांची में खेले जा रहे हैं, यहां की टॉप 3 टीमें यानी पोडियम फिनिश करने वाली टीमें ही पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर पाएंगी। और इस ब्रॉन्ज मेडल मैच से पहले भारतीय टीम का मुकाबला जर्मनी से हुआ था। अगर भारतीय टीम वो मुकाबला जीत जाती तो भारतीय टीम FIH हॉकी क्वालिफायर्स 2024 के फाइनल में पहुंच जाती, और अगर भारतीय टीम वहां पहुंच जाती यानी सिल्वर मेडल मिलना तय था और यानी पोडियम फिनिश होता और भारतीय टीम पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर जाती। लेकिन भारतीय महिला हॉकी टीम की उम्मीदें पहले ही जर्मनी ने तोड़ दी। भारतीय टीम फाइनल में जगह बनाने में नाकामयाब रही। जर्मनी ने भारतीय महिला हॉकी टीम को पेनल्टी शूटआउट में हरा दिया और भारतीय टीम के पास आखिरी मौका था कि ब्रॉन्ज मेडल मैच में अगेंस्ट जापान, जहां पे भारतीय टीम का पलड़ा भारी माना जा रहा था, वहां पे आप जापान को हराइए और पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर जाइए। लेकिन आज खेले गए मुकाबले में जापान ने भारतीय महिला हॉकी टीम को 1-0 से हरा दिया है। खेले गए चारों क्वार्टर में भारतीय टीम पहले ही क्वार्टर में जापान के अगेंस्ट गोल खा चुकी थी। उसके बाद खेले गए तीनों क्वार्टर में भारतीय टीम गोल करने में नाकामयाब रही और इक्वलाइजर नहीं कर पाई, और इसी के साथ भारतीय महिला हॉकी टीम का पेरिस ओलंपिक 2024 में जाने का सपना टूट गया। और इसी के साथ बता दें कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम एशियन गेम्स 2023 में गोल्ड जीतने के बाद ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। लेकिन भारतीय महिला हॉकी टीम को ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने के लिए क्वालिफायर्स खेलने थे, जहां पे टीम को पोडियम फिनिश करना बेहद जरूरी था और टीम ऐसा नहीं कर पाई। अब इस पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और स्पोर्ट्स जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव ABP लाइव को।